हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी और आज मैं आप लोगों के साथ ब्यूटीफुल बन शेयर करने वाली हूं। तो बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही स्टाइलिश सा बन बनाने वाली हूं। चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। और मेरा एक डिजाइनर ड्रेस का चैनल है जिस प्रीत तिवारी 2 चैनल का नेम है, जिसपे इस तरीके की जैसे ब्लाउज मैंने पहनी है, बहुत सारी अमेजिंग ब्लाउज डिजाइन की वीडियोज एंड ड्रेस डिजाइनिंग की वीडियोज मिलती रहेंगी। एंड शॉर्ट्स चैनल भी बना लिया है तो उसमें भी जरूर जाइए, मैं उसमें अपनी आवाज में मोटिवेशनल वीडियोज लेकर आते रहती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने बालों की एक पोनी बनानी है। तो मैं यहाँ पे सेंटर पार्टीशन से कर रही हूँ, आपको जैसे चाहिए वैसे आप कर सकते हो। तो सेंटर पार्टीशन से करने के लिए मैंने इस तरीके से मांग निकाली है, आपको मिरर में भी दिख रहा होगा अगर कुछ डाउट रहे तो, कि फ्रंट से कैसे कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने ईयर टू ईयर पार्टीशन पहले कर लूंगी और सारे बालों की एक पोनी बना लूंगी। ओके, बाल मेरे बहुत ज्यादा व्हाइट हो रहे हैं तो मैं कलर जो भी यूज करूंगी वो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। और बहुत सारे कलर की वीडियोज डाली हुई है हेयर कलर की, तो आपने नहीं देखा है तो प्लीज चेक कर लीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने ईयर टू ईयर पार्टीशन कर ली है एंड बालों को एक पोनी बना ले रही हूँ। पोनी बहुत ज्यादा हाई नहीं करना है और ना ही ज्यादा लो करना है, इस तरीके से जैसे मैं बना रही हूँ एग्जैक्ट वैसे ही आपको बनाना है। इसके बाद आपको यहाँ से क्राउन एरिया के हेयर बहुत ज्यादा फ्लैट ना दिखे, इसके लिए थोड़ा थोड़ा सा खींच लेना है। मैं ये हेयर स्टाइल शाम तक करने वाली हूँ, शाम को मुझे जाना है ब्राइडल मेकअप करने के लिए। तो अभी दोपहर भी नहीं हो रहा, अभी 10 बज रहे हैं एंड इस तरीके से हेयर स्टाइल ये 10 बजे से रात के 10 बजे तक टिकने वाले हैं। तो इस तरीके से मैंने कर लिया है। अब आपको जो आपने यहाँ पे मिडिल पार्टीशन की हुई है इन सारे बालों को लेना है एंड इस तरीके से लेके जाएंगे, बहुत हल्का सा ट्विस्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे रख के क्लिप की मदद से इसको सिक्योर कर लेंगे। तो क्लिप मैं निकाल लूँ क्योंकि मैंने ये बॉक्स भी रेडी कर लिया था लेके जाने के लिए। ओके, तो ये जो हेयर मैंने लिए हैं टाइटली लेके जाएंगे और यहाँ पे रबर बैंड के पास ही क्लिप से सिक्योर कर देंगे। दूसरे साइड का भी सेम इसी तरीके से करना है आपको। ओके, एक क्लिप और लेंगे, यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद आपको चाहिए इस हेयर स्टाइल के लिए एक डोनट बन, आप इसको पार्टी में शादी में भी बना सकते हो ये हेयर स्टाइल। वेडिंग सीजन चल रहा है तो हम लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि कैसा हेयर स्टाइल करें, इजी भी हो, कंफर्टेबल भी हो और लॉन्ग लास्टिंग हो, तो आप ये कर सकते हो। शादी में बहुत सारा फंक्शन होता है जिसमें बार बार हेयर स्टाइल हम चेंज नहीं कर सकते, तो आप ये बना सकते हो। अब मैंने एक डोनट बन लिया है। ओके, डोनट बन को इस तरीके से लिया है एंड हाफ हेयर को ऊपर की तरफ से करूंगी। ओके, इस तरीके से, और एक ब्लैक रबर बैंड लेंगे यहाँ पे। सॉरी डिस्टर्बिंग के लिए, रबर बैंड मेरा मिल नहीं रहा है तो वन सेकेंड, आंख के सामने ही रहता है और कई बार मिलता नहीं है। ये देखिए यही रखा हुआ है और मिल नहीं रहा था, तो रबर बैंड को निकाल ले रही हूँ। पतले वाले रबर बैंड लेना चाहिए डोनट बन लगाने के बाद से, उससे ज्यादा अच्छा लुक आता है। तो इस तरीके से मैं अपर डायरेक्शन में हाफ एयर को लेके रबर बैंड को ऐसे लगाऊंगी, बट जो हमारा नीचे का हेयर है उसको निकाल लेंगे ऐसे। ओके, और जो ये हेयर बचे हुए हैं इनको डोनट बन के चारों तरफ इस तरीके से लपेट के यू पिन की मदद से सिक्योर कर देंगे। ओके, थोड़ा सा डोनट बन का भी हेयर ले लेना है और इस तरीके से सिक्योर कर लेना है। उसके बाद जो नीचे के हेयर है इनको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इस साइड का हेयर इस साइड लेके जाएंगे डोनट बन के ऊपर से इस तरीके से लपेटते हुए।
यूपीएन की मदद से सिक्योर करेंगे। ओके, कुछ इस तरीके से। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा हो। अब इधर भी इस तरीके से यूपीएन की मदद से इसको सिक्योर कर लेंगे। अब दूसरे साइड के हेयर को भी इस तरीके से लेके जाएंगे और डोनट बन को हाइड करते हुए यूपीएन से सिक्योर करते जाएंगे। वन सेकेंड गाइज, कॉल आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही थी, कोई दिक्कत था। अच्छे से सिक्योर करते हुए यूपिन्स लेके अच्छे से लगा देंगे और ये काफी बड़ा सा और स्टाइलिश सा हमारा बन बन के रेडी हो जाएगा बहुत ही इजी तरीके से। तो ये लो बन हमारा बन के रेडी हो गया। साड़ी के लिए बेस्ट रहेगा, तो आप साड़ी पे इस तरीके से हेयर स्टाइल बना सकते हो। जहां भी आपको लगे कि कहीं से अनमैनेज लग रहा है, तो वहां पे आप यूपीएन की मदद से सिक्योर कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट मेरा हेयर स्टाइल डन है। तो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जहां भी मैंने पहले भी बोला, जहां पे आपको लगे वहां पे आप यूपीएन लीजिए और इसको अच्छे से सिक्योर कर लीजिए और ये हेयर स्टाइल आपका आराम से लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, काफी लॉन्ग टाइम तक रहेगा ऐसे ही। तो ये है बन का फाइनल लुक, फ्रंट से कुछ ऐसा है। एंड इसके साथ आप बड़े बड़े झुमके इयररिंग्स ट्राई कर सकते हो। वेडिंग सीजन है तो आपको चाहिए होगा इयररिंग्स वगैरह, तो इस तरीके से लगा ले रही हूं मैं ये वाला इयररिंग्स। बन को चाहो तो सिंपल रखो, चाहो डेकोरेट करना है तो गजरा फ्लावर्स कुछ भी आप इस पे ट्राई कर सकते हो। तो मैं एक सिंपल सा यूपिन ले रही हूँ फ्लावर वाला और यहाँ सेंटर में लगा दूंगी और दैट्स इट। मेरा जो हेयर स्टाइल है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा और खींच ले देंगे इसको। तो आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, आपके बाल काफी शॉर्ट हैं मेरी तरह, तो आप ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। और देखने में ये बिल्कुल नहीं लगता कि आपके बाल शॉर्ट हैं, काफी लगेगा कि लॉन्ग बालों पे ये हेयर स्टाइल बनाया हुआ है। हैवी दिखता है और साड़ी के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी इस तरीके की इजी ट्रिक के थ्रू छोटे बालों में ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल बन देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और ये ब्लाउज डिजाइन मेरे चैनल पे अपलोड हो चुका है, तो जाके चेक कर लीजिएगा। बाय बाय।